दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग विद रेखा में। आज मैं आपके साथ में नई रेसिपी लेकर आई हूँ, गाजर का हलवा। दोस्तों, गाजर का हलवा किसको पसंद नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी सर्दियों में गाजर बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो आप मेरे तरीके से आप गाजर का हलवा बना के देखिए। बहुत ही क्विक रेसिपी बनाई है मैंने, तो चलते हैं और गाजर का हलवा बनाते हैं। हलवे में जो हमें आइटम चाहिए बनाने के लिए, वो मैं बता देती हूँ आपको। ये है कद्दूकस की हुई गाजर, और इसमें मैं मावा डालूँगी। तो ये 250 ग्राम मावा है और हम ये बना रहे हैं 1.5 किलो गाजर के लिए। और ये हमारी 1 से 1.5 कप चीनी है, और ये हमारा 1 गिलास बॉईल करने के लिए 1 गिलास दूध जाएगा इसमें। और ड्राई फ्रूट्स आप कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने लिया है किशमिश, बादाम और काजू, और फ्लेवर के लिए इलायची। और तो आप अपनी इच्छा से इसमें ड्राई फ्रूट्स घटा या बढ़ा सकते हैं, और आप इसमें जो मैंने डाल सकते हैं जो मन है। और ये मैंने लिया है घी। घी फ्रेंड्स, घी का भी यही है कि आपका मन है तो आप डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और क्योंकि इसका चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है, तो जितना आप इसमें, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज़्यादा घी चाहिए, जितना आप इसमें डालेंगे उतना ही इसमें सफिशेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं गाजर का। कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई भारे तले की होनी चाहिए, जिससे कि हम, ये काफ़ी देर में बनता है तो ये, जिससे कि हमारा जो गाजर है वो इसमें जले ना। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, तो इसमें हमने जो कद्दूकस करके रखी थी ये गाजर इसमें जाएगी। और ये देखिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध जाएगा दोस्तों। ये देखिए कितना दूध जाएगा, थोड़ा थोड़ा दूध डालिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डालेंगे। तो हमारी ये गाजर इसी तरीके से हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, और हमारी ये गाजर इसमें पक के और तैयार होगी। इसका जो पानी है वो गाजर अभी छोड़ेगी, तो गाजर का पानी और दूध ये दोनों जब अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और ये दूध और ये पानी सूख जाएगा, तब तक हम इसको आँच पे रखेंगे। और आँच हमारी रहेगी मध्य पे रखेंगे, मीडियम वाली जो होती है मीडियम पे रखेंगे। तो हम इसे बना लेते हैं, बीच बीच में इसे फ्रेंड्स चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से हमने हमारा जो इसका जो गाजर ने पानी छोड़ा था और दूध जो हमने डाला था, इस तरीके से हो गया। अब हमें इसमें डालनी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं 1.5 किलो चीनी, गाजर है तो मैं लगभग 1 कप चीनी डालूँगी। तो हम इस चीनी को भी इस तरीके से अच्छे से पका लेंगे, और ये चीनी भी अभी अपना पानी छोड़ेगी, तो हम इसको फ्लेम को कम ज़्यादा करते हुए, और हम इसकी चीनी को भी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे ये वाला। और इस तरीके से ये चीनी अपना इसमें मेल्ट होके गाढ़ी है। हमारी चीनी गल चुकी है और बिल्कुल इसमें चाशनी बन चुकी है चीनी की इस तरीके से। तो अब हम इसमें मावा डालेंगे। मावा इसमें कम या ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार क्वांटिटी डाल सकते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, तो ये मावा डालेंगे और इसको अच्छे से मावे को हम इसमें मिला लेंगे। इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स काटे थे वो ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, मैंने काट लिए थे, ये देखो मैंने पीसेस कर लिए थे। साबुत थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, आपके अनुसार कम या ज़्यादा आप क्वांटिटी कर सकते हैं। ये हमारी जाएगी किशमिश, इसको हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और इसमें जाएगा थोड़ा सा घी। देखिए घी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। गाजर के हलवे में घी कम ही लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें घी की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए अब फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे
मैंने इलायची बारीक कर ली थी, तो इलायची पाउडर वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा सर्व करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों तैयार है मेरा गाजर का हलवा, आ जाइए आप भी खाइए और आप घर पे जरूर बनाइएगा। मेरे तरीके से मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये रेसिपी बनानी सिखाई है, और अगर अच्छी बने तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए दोस्तों, और नए साल का इंतज़ार है हमें, और नए साल में हम गर्मा गर्म दाल की पकौड़ी और हलवे से हम स्वागत करेंगे नए साल का। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स बाय।